लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों और वार पलटवार के बीच बीते कल यानी कि शुक्रवार को पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने वोट बैंक की खातिर द्वारिका में उनका पानी के भीतर की गई प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाया है। अमरोहा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने लायक कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि द्वारिका के साक्षात सबूत मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी केवल वोट बैंक के लिए हमारी मान्यताओं को खारिज कर रहे हैं। मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया। काशी ने मुझे सांसद बना दिया। अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समंदर के नीचे मूल द्वारिका है, और वहां मैं गया, समुंदर में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। और जो अपने आप को यदुवंशी कहकर के ढोल पीटते हैं, मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, बिहार में जो लोग कहते हैं ना हम यदुवंशी हैं, उत्तर प्रदेश में जो नेता यदुवंशी का माल मलाई खाने के लिए निकलते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे यदुवंशी हैं तो भगवान द्वारिका की पूजा करने वाले का अपमान करने वाली पार्टी के साथ कैसे बैठ सकते हो, कैसे उनके साथ समझौता कर सकते हो। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने प्राचीन जलमग्न द्वारिका शहर के अवशेषों में पानी के नीचे पूजा करने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि आज देश में किसान, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीरों के मुद्दे सबसे प्रमुख हैं, लेकिन आपको टीवी चैनलों पर इन मुद्दों की कभी चर्चा नहीं दिखेगी। टीवी पर नरेंद्र मोदी ही दिखाई देंगे, कभी कभी वह पूजा करने के लिए समुद्र के नीचे पूजा करते हुए दिख जाएंगे, वो भी बिना पंडित के। 24 घंटा टीवी देखो ना, आपको बेरोजगारी के बारे में बताएंगे, ना आपको महंगाई के बारे में बताएंगे, आपको कोई किसान नहीं दिखेगा, कोई मजदूर नहीं दिखेगा, आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए वहां पे, मतलब मजाक बना रखा है, पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से कोविड आएगा, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। फिलहाल देश में चुनावी माहौल चल रहा है, सियासी दलों के नेता विरोधी दल के नेताओं को तरह तरह से घेरने के प्रयास में लगे हुए हैं, और इस उम्मीद में है कि जनता पर उनकी बातों का असर हो, लेकिन सही मायनों में कौन कितना असर छोड़ पाएगा या 4 जून को चुनावी नतीजों में दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।